अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो हम उठे हैं सैरी के लिए। तो यहाँ पे तो गरज चमक के साथ हो रही है बारिश। तो यार देखो, कपड़े जो उसने धोए थे सारे कपड़े ख़राब, क्योंकि कल इसने जब शाम को आके धोया ना, उस टाइम बारिश हो रही थी, वो बादल थे। जब कल शाम को आसिया आई है ना धोने के लिए, तो तब बादल आए हुए थे, वो टाइम ही नहीं सी कपड़े धोन दा, रोज़े से आधा घंटा पहले। सारा दिन धूप निकली रही थी, ये तो दिन के टाइम धुलने चाहिए थे। देखो ठंडे रोज़े हो गए जी, ठंडे। पच्चीस मिनट बाकी हैं। बड़ी गर्ज चमक जे भाई, तो आज आग 25 मिनट रह गए, 25 मिनट। तो हम जी उठे हैं सैरी के लिए। तो गरज चमक के साथ बारिश इतनी हुई है कि बिजली बंद बिजली गई थे। और यहाँ पे लगवाएंगे अंडे की बाजी भाई, अंडे रे बाजी लानी है आज के नहीं। चलो बारिश होती पई है बाहर भाई, ठंडी हवा जैनब का भी रोजा है, जैनब का रोजा है मेरा, अनम का, साढ़े तीन रोजे हैं। आज ते बारिश इतनी, राती बड़ा मीह पे है, बड़ी बारिश बल्ले बल्ले। ए वेखा गेट पता नहीं किदा खड़कदा पिया जे, जमीन मैली नहीं, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। चलो भाई नौकरी में कर देना, क्या बात थी हमारी माँ की, हमारी अम्मी जैसा कोई कोई नहीं। मैं कहती हाँ साढ़े अपने बिचों कोई नहीं अम्मी वर्गा, अम्मी का सबर ही, मैं कहती हाँ उसका लैवल ही होर सी, जो सबर हमारी अम्मी का था ना वो साढ़े बिचों किसी बिच नहीं है। फिर हमारे दादा दादी जो थे वो हमारे साथ रहते थे, उनको हमारी अम्मी ने ही संभाला, बड़ा संभालिया बड़ा। जब किसी ने सास सोरे ने संभाला ना, तो वो हमारी अम्मी ने संभाला, हमने देखा उनको संभालते हुए। मैनू याद तुहाडे कोल पास हुंदा सी, वो जिहड़ा साल विच इक वारी फैमिली दा पास यूज करीदा सी, पास पिया आहो, वो पता जिहड़ा वो हुंदा सी साल विच इक वारी दा फैमिली दा, वो तुसीं सानूं वखरा ही डब्बा हुंदा सी उहदे च असीं सफर करदे हुंदे सां ना, वीआईपी वीआईपी पास, साल में एक दफा हमारे अबू यूज करते थे। वो तो डीएसपीसी लगा है। अच्छा चलिए जी, बड़ी मौज की या बड़ी मौज। अच्छा वो कौन सर्वर साहब, सर्वर बट, हाँ सर्वर, वजीराबाद बड़ी देर रहे ने, आहो उठे फिर जो असि गुजरात जाई दस ना नानी मां को जलालपुर जो जाना, आहो वजीराबाद उन्ना को रुकी दा सी, बड़ा चाहिदा हुंदा सी अम्मी ने जदों भी गुजरात जाना ना, वजीराबाद उतरना, बट साहब वाल जाना, उतो उन्होंने खाना बनाया हुंदा सी, खाना खा के फिर अगे साडी ट्रेन दा टाइम हो जाना, फिर उत्थे गुजरात उतरना, उतो फिर बस लैके जलालपुर जट्टा नानी अम्मा कोल। बड़ा एंजॉय किया हुआ हमने अपनी नानी के साथ। अच्छा हां नहीं बड़ा मेहमान नवाजी बड़ी उन्होंने दी, बड़े चंगे सन।
ਮੰਮੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਟਿੰਡੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਿੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੰਡੇ ਇੰਜ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕਾਉਣੀ। ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਗ, ਟਿੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਗ, ਤੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮੁਰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਕਾ ਲਈ। ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਦੇਗ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਚਨ ਮੇ। ਜ਼ੈਨਬ ਔਰ ਅਨਮ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਭੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ 7:15 ਕਾ। ਦੁੱਲਾ ਵੀ ਆਜ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ, ਬਾਦਲ ਬੱਜੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਕੇ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ 7:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਬਹਾ ਦੇ, ਔਰ ਹਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈਂ ਕਿਚਨ ਮੇਂ, ਔਰ ਸਹਿਨ ਮੇਂ ਦੇਖੇ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਦੂਧ ਗਰਮ ਕੀਆ, ਔਰ ਸੁਬਹਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋ ਏਕ ਮਗ ਜੋ ਹੈ ਦੂਧ ਕਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਤਰਾਵੀਓ ਕੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੀਂ ਪੀਂ ਪਾਂ ਪਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮਾਮਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤੋ ਲੋਕ ਸੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਜਿਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਤਰਾਵੀਓ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਅਨਮ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸੋਈ ਪੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਸ ਆਸੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਬਿਸਤਰੇ ਉਠਾਓ, ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਆ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤਨੀ? ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੋ ਗਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਰਾਤ, ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਡਬਲ ਕੰਮ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇ ਟਾਈਮ, ਹੈਲੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਆਹੋ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੱਪੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧੁਲੇ ਹੈ ਔਰ ਡਰਾਇਰ ਮੇਂ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇ ਆਪ। ਤੋ ਆਜ ਇਸ ਕਮਰੇ ਕੀ ਵੀ ਡਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਗਾ, ਡਸਟਿੰਗ ਹੋਗੀ ਇੱਧਰ ਕੀ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਬੈਠਕ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਲੈਪਟੋਪ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਮ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪੜੇ ਹੋਏ। ਕਿਰਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰਸ ਉਠਾ ਲਓ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਚਲੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰ ਸੂਟ ਕੇਸ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ। ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਟਿੰਡੇ ਛਿਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਬੋਕਸ ਕੋ ਜੀ ਓਪਨ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਰੂਕ ਕਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਸਮੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂ। ਇਹ ਦੇਖੇ ਸ਼ਾਦੀਓਂ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਓਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਏ ਆਪਣੇ, ਆਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨੂੰਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਲੀਨਾ ਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਧੂਪ ਦੇਖੇ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਬੱਚੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿਚਨ ਮੇਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੈ
वो देखे जी जैनब ने यहाँ पे जैनब और जैनब के नाना अबू है ना भी इधर ही खड़ी है ना, बैठ जाओ इधर। ये देखें ये अनम ने सारी चीज़ें अनम कह रही हूँ जैनब ने रखी हैं। अब इसने बनाना है मीठा और अबू जी पूछ रहे हैं कि आज क्या बनाना है। खीर नहीं, कुछ और बनाएगी, देखियो की बनाती है। खीर, खीर दी माँ। ये लो बाहर है, कोई आओ देखें, आओ देख दिया कौन है। नहीं नहीं बैठे रहो, पहले मैंने आप गेंद गेंदा जोड़ के रखी हैं, मैं देखती हूँ कौन कौन। एहसन, एहसन, एहसन आया जी, प्लम्बर बुलवाया आगे। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला ने फुटबॉल मार के गीजर के पाइप को जो है ना हिला दिया। हाँ हाँ बुला ला बुला ला, है जब मैं तौलिए पीछे करा। ऐ देखे थो ना आसिया नू बंद कर गई है, है ना सारा निकलता पैसे। वालेकुम सलाम। ऐ देखो हाँ जरा इतों, ऐ बच्चे दी फुटबॉल लगी है, फुटबॉल मार के उन्हें। मैं कह नानकों का पहला नुकसान वो टूट ही गई है। अब्दुल्ला देख लो ये देखो, चिड़ी उड़ के गई है, बच्चे तो नहीं करे अभी दिन, बच्चे होंगे उसके बीच। इसके अंदर इधर से नजर आता है, नहीं इधर ही नजर आता कुछ। देखो इसके अंदर ना चिड़ियों ने घोंसला भी बना दिया हुआ गीजर के अंदर। देखो मैं इधर से देखो, पता नहीं उन्होंने तो वाह वाह आल ना बनाया है बेचो। देखा घा ही घा भी अंदर। ओए होए 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 होए, हेलो हाँ हेलो, चिड़ी गई पता नहीं किधर है, आके लभेगी उन्हें। देखा देख लो, परिंदे भी किंज अपना घर बना लें। हैं अंडे है ने, हाँ वो ने अंडे, हाँ इन्हों इंज ही बाद चे रख देवे। आहो मैं लगता और होने ने अंडे बच्चे कि नहीं। नहीं नहीं ऐ ही नहीं, ऐ ही एक आ गए जोड़ा दे ने अंडे वाला। आहो आहो चलो इन्ना नु बाद चो इंजी विच वाड़ दियो, चिड़ी बेचारी आके लब्बे ज्यादा ने और भी ने चिड़िया मिल गई। आहो दोनों आए ने देखने वास्ते, आहो कुछ चुक के ले आए ने ना, काम ले आंदे ने देखो। आहो आहो ये अब्दुल्ला ने ना फुटबॉल मार के तो उसको तोड़ दिया, वो गीजर में से तो ऐसे पानी निकला जिसकी कोई हद नहीं। तो ये देखे चिड़िया के अंडे, हाँ जी ये देखे ये अंडे हैं चिड़िया के। अब्दुल्ला को पता नहीं था ना कि उसमें चिड़िया ने नेस्ट बनाया हुआ है। अब्दुल्ला को इतना बैड फील हो रहा है, अब कोई बात नहीं वो अब उधर है ना बोल करना, अब ये ना हो उसके अंडे पड़े हुए टूट जाए। तो ये थी जी जोहर की अजान। तो बस नमाज के बाद अब हम जाएंगे ज़रा बाज़ार, वेट कर रहे थे कि नमाज हो जाए तो फिर जाएं, अजान हो जाए तो फिर जाएं। तो बस थोड़े से कुछ देखने हैं कपड़े अनम, बस थोड़े से कुछ कपड़े देखने हैं अनम के लिए, जैनब के लिए कुछ सलवारें कमीज़ें।
कल भी देखी थी पर कल उनको कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, तो आज इधर एक और है शॉप, वहाँ पे जा रही हूँ, उधर से देखूँगी कि कुछ अच्छे मिल जाएँ। वहाँ पे जीन के होते हैं, जीन के जो है ना वो बड़े नाइस हैं, शलवारें के पीछे जीन की 2 पीस भी मिल जाते हैं, 3 पीस भी मिल जाते हैं। तो बस अभी बच्चे मांस वगैरह कर लें तो फिर चलते हैं। चलो आ जाओ। अनम किधर है? ये मम्मी ये वाले जूते बस आपको बड़े अच्छे लगे? अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ अच्छा, कि अनम को अच्छे नहीं लगे? ऐसन के अब्बू हैं। चलो जी आ जाओ अनम, निकलो। यहाँ पे जी बच्चों ने एक देख ली कबूतरों वाली शॉप, वहाँ पे कबूतर उन्होंने पिंजरे में डाल के रखे हुए थे। ज़ैनब और अनम कहने लगे कि मामा ये हमने लेके जाने हैं, हमारे छोटे मामू ने भी रखे होते थे। मैं कहा नहीं, वो तो उन्होंने उड़ा दिते सन, तो बड़े इन्होंने जिद की, पर मैंने कहा नहीं। दिखाना जो पिंक लिया हमने, पिंक उठा के दिखाओ। ये देखें ये वाला लिया है ज़ैनब ने जीन का, ये बड़ा नाइस है, शिफॉन दुपट्टे के साथ है, वेरी प्रिटी। ये देखें यहाँ से एक ये वाला लिया है और एक लिया है ये वाला कद्दू रंग, ये ज़ैनब ने लिया। एक ये लिया है ज़ैनब ने और एक ये वाला, ये बड़ा ही प्यारा है। इसका ट्राउज़र दिखाएं ज़रा, ये देखें ये ट्राउज़र है इसका, तो ये बड़े प्यारे कपड़े हैं, बड़े कंफर्टेबल से, सॉफ्ट लॉन है, सॉफ्ट वाले। ये वाला लिया है ज़ैनब, ये दिखाओ ज़रा पकड़ना। जीन के कपड़े जी बड़े अच्छे हैं, घर में भी पहनने के लिए, आप बाहर भी कहीं आपने आना जाना हो। ये देखें ये वाला बड़ा नाइस कलर है, ये वाला ब्लू कलर, ट्राउज़र भी इसका बड़ा अच्छा है, ये देखें। तो यहाँ से जी आए हैं अब हम फ्रूट लेने के लिए, अनार लेंगे, पपीता लेंगे, खरबूजे लेंगे, और देखती हूँ क्या लेके जाती हूँ। क्या खुशबू आ रही है खरबूजों की, मीठे हैं। जो हमें देखा मेरा हेलो, छोड़ दो टेंशन ना लो। चलो आधी दर्जन केले भी कर दो। मेयोनीज लेनी है यहाँ से आए, यहाँ से क्या क्या है इधर, कबाब है, स्प्रिंग रोल भी है। स्प्रिंग रोल चाहिए या रहने दो, रोज़ा खोल के तला हुआ नहीं खाना। मेयोनीज लेनी है, होती चीज़। तो यहाँ से जी हमने उठाई है ये बटाटा चाट, ये देखो ये मैं देखे मैं ना बढ़िया ने बोला की है। आहो ये देखो बढ़िया पड़ी हुई हैं मूंग दाल की बढ़िया। चलो ले लो ये कोको बेल दो, बेल दो। हाँ वो है बेल। चलो ले लो जी। तो शॉपिंग करके जी हम आ गए घर, देखते हैं बाबू जी गेट खोल देने के, असि बाहर ही खलोते रहते। अबू जी ने खोला है गेट, ये देखे अबू जी आ रहे हैं। सुते साओ? सुते साओ? अच्छा अच्छा अच्छा। जो भाई फ्रूट निकाले, खरबूजे लेके आई हैं, खरबूजे खरबूजे। ओ ये कहाँ से लग गया है? मम्मी चमक रहा था सैंड में। बहुत अच्छी बात है। जब आपको जी मैंने रख दिया जी, ऑलरेडी मैंने रख दिया। आहो हेलो, अनार, अनार जो है ना अनार निकाल के तो खाना चाहिए। है तो मैंने लग रहा है खराब है, अनार का दाना पोला पोला वे खैर जाना। आहो है खराब लग रहा है, बड़ा रश सी। इन्हों मैं लैते गई, इन्हों मैं लैते गई नाल, बुटिया का इन्ना रश, बुटिया आ के इन्हों मूह वाले इंजी वेखन, खलो के सिर तो लैके पैर तक वेखन। मैं तो लै के ये नाना अबू के लिए, मैं क्या निकलो, मैं क्या हूं नहीं, मैं तुम नाल लैके जाना। लोग फिर वेखते ना, फिर आप भी तंग पैदा ने। हाँ पी लवो है, लेमन है ना, मैं याद ही नहीं रहे। लेमन लेके आने से मैं नाना अम्बू को ना इसमें चिया सीड में डाल के देती होती हूँ पानी में। ज़ैनब क्या ढूंढ रही हो? वो सामने वाली कबर्ड खोलो, उधर ऊपर वाली देखो, दे साथ वाली इधर।
हाँ ये देखो ये पड़े हुए हैं, क्या बनाना है? तो जी यहाँ पे मैं खरबूजे को धो रही थी, अब्बू जी ने देखा मैं खरबूजे लेके आई हूँ तो कहते ने मिठे ने, मैं कहा पता नहीं और दुकान वाला तो कहता सी कि बड़े मिठे ने, तो कहते हैं चल हाँ एक जरा फाड़ी कट तो मैं तेनों खा के दस दवा कि खरबूजा मिठा है कि नहीं। तो कहते ने ता दस्त सारे का रोज़ है ना, तो जे नहीं मिठा तो इनू जाके वापस करके आई क्योंकि मैंने कहा, मैं कहा वो कहता था बाजी जो मिठे नहीं ना आएंगे तो वापस कर दियो। तो ये बस अबू जी का एक बहाना था खरबूजा खाने का, जैसे छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को दाल लगाते हैं ना, तो साढ़े अबू जी भी सानू इंजी दाल आते होंगे ने, तो खा लिया और मैंने कहा मीठा है तो कहते हैं बस ठीक ही है और कटा नहीं फ्रिज में ला कुछ ही खरबूजा काट के दिया है, कहते ने बस ठीक ही है फिर चला आम पा रहे ने जाके जून जुलाई में ही हां नहीं नहीं ना बोले हां आम के नाल का कोई फ्रूट नहीं आम बेहतरीन है मजा आने आम खाने का बस आप ना धूप में खेलते जाओ और फिर मुझे ना कहना कि मामा मेरी तबीयत खराब है, ठीक है ना अब्दुल्ला, मुझे नहीं कंप्लेन करनी फिर। ये देख लो नाना वो कह रहे बैठ जाओ धूप है, कुछ सुबह कुछ खाया पिया भी नहीं है अब्दुल्ला। कौन है? अच्छा आप आए हो, वो तो कह रही जैनब आ रही है, चलो आ जाओ फिर, आ जाओ दरवाजा बंद करो। आसिया का भतीजा जी आ जा, वो दरवाजा पूरा बंद कर, वो आ जाएगा। आसिया तो सुबह रख गई सी खाना अपना, वो लेन आया। ये लो ये मैंने गरम कर दिया, जो भी है इसमें उसको पहले खा ले, ठीक है चलो। अब इतना हैवी है ये, मैं खाऊनी ओदी सेहत नहीं जिन्ना ओदे कोलों समान मंगा लिया है उफी होए थे इंजी। तो यहाँ जी मैंने बनाना है टिंडे गोश्त, तो ये देखें देसी घी जो है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी एक सिनेमन स्टिक जो कि दो हिस्सों में और एक मोटी इलायची ये गई और इसके अंदर डालेंगे ये प्याज बिस्मिल्लाह। तो आप थोड़ी करते हैं तेज और इनको करते हैं मिक्स बिस्मिल्लाह करके, देखो जी बस इनको थोड़ा सा करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। वैसे तो मैं प्याज नाल भी लेके आई हूँ पर प्याज कितने गए ने पता नहीं कितने गए ने, प्याज मैं लाई हुई थी साथ। हांडी पका रही हूँ। अच्छा अच्छा व्हाट्सएप का, वाह जी वाह। ये देखें जी प्याज ब्राउन हो गए, कहना जिन्नी छेती हो सकता उन्नी छेती करोगे फिक्र ना करो उनको हम छेती छेती करेंगे छेती छेती। तो प्याज ब्राउन हो गए, यहाँ पे हमने डाल दिया गोश्त, माशाल्लाह ये वही गोश्त है जो कल भाई जान के चंगी तरह पुन पना के ना, तो इसके अंदर हमने डालना है अदरक लहसुन आज मैंने ना बाद में डालना है इसमें अदरक लहसुन क्योंकि गोश्त को ना अनार अनार अबू जी आपकी बेटी खाएगी, मैं खाती हूँ ब्लड बनाने के लिए, शुगर नहीं ना होती इसमें, शुगर नहीं है। तो ये देखें जी यहाँ पे इसको भून के अच्छी तरह से फिर बाकी के लवाजमा जाएंगे और टिंडे मैंने इसके साथ ही लगा देने हैं प्रेशर टिंडे अब ताकि दोनों चीज़ें गल जाए। ये देखें ये आसिया काट के दे जाती है मुझे हरी मिर्चें, देखें किनिया काट के दे रही है टमाटर हैं अदरक लहसुन है, ये देखें अबू जी इधर बैठे हुए हैं। और यहाँ जी मैंने अदरक लहसुन जो था वो डाल दिया, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली जो है ये भी मैं ऐड करूँगी, सारी नहीं डालूँगी क्योंकि तो बहुत ज़्यादा है, अबू जी ने भी फिर यही खाना है। तो बस अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ हम गोश्त को थोड़ा सा और भून लेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे जी ये टमाटर, ये देखें। तो इन सब चीज़ों के साथ इसको चंगी तरह हमने भून लेना है ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो फिर इसमें डालते हैं बाकी के मसाले, है कौन आ गया। तो मैं जी वॉइस ओवर कर रही थी कैंटी वजी, तो बारहों हमसायों के घर से आया खाना, आज उन्होंने रोज़े खुलवाए थे तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा डाल के तो इसको जी अच्छी तरह से भून लेना है और फिर जो है इसके अंदर ही हमने टिंडे भी डाल देने हैं। तो इन्हों कट्ठिया लावांगी असी की प्रेशर टिंडे है, देखो गोश्त को हमने भुन लिया अच्छी तरह से बिस्मिल्लाह, बड़े शानदार टिंडे हैं
कूले कूले टींडे जे कूले कूले आहो आहो बिस्मिल्ला है देखो जी अब इनको अच्छी तरह से भूनेंगे फिर इनको हमने कट्ठे ही प्रेशर लगाना है टिंडिया नू ते गोश्त नू सेम टाइम बिस्मिल्ला तो यहाँ पे जी लगने लगा है अब प्रेशर हांडी एज प्रेशर दी सीटी हाँ जी टिंडे कट्ठा ही लाता प्रेशर टिंडे गोश्त तो कट्ठा ही फरोजा जी माशाल्लाह कैसे खुल गया सब किचन में बैठे हुए हैं ट्राई कर देखो कोई अच्छे लगते हैं अनम पाया भी लो खरबूजा भी ले लो ट्राई करो ठीक है चलो मैंने तो सबसे पहले रूफ वाला दूध पी लिया से मेरी मेरी मैं चिकन नगेट्स खा रही थी ये धनिया ना फ्रिज में ही रख दो पता क्या करना जी कोई कुछ नहीं होता थोड़ा सा प्याज और उसके अंदर हरी मिर्चे जी और टमाटर ग्रीन पीस और ये धनिया रख देना काट के मेरा सैरी का टाइम ना फिर मैं इसका ऑमलेट बना लूंगी कुछ नहीं है फ्रूट बड़ा होता है पता केलों के ऊपर हमारे आ जाता है ये पाकिस्तान की शान है ये मक्खियां पाकिस्तान की शान है आन है मान है हमारी जान है हाँ पाकिस्तानियों की जान ने चलो अभी तो आपको भूख लगेगी वो पुलाव पड़ा हुआ है फ्रिज में वो गरम कर दूंगी मैं हाँ हले तो व्लॉग दे वॉइस ओवर होने कितनी टेंशन है व्लॉग दी हमें कितना ख्याल है अपने फॉलोअर्स का बिकॉज वी लव देम मैं खाऊंगी अब अनार आसिया अनार पे चाट मसाला डाला था अनार से लाओ मुझे दो लाओ दो मैं फिर इसको चलने दो चलने चलती का नाम है गाड़ी नाना आपको को वो सुनाएंगे जिंदगी के मेले देखो की होंगे प्याज बाहर वो दवाई भी दो रात के खाने की दवाई दूध के साथ नाना आपको वो भी बड़ा अबू जी ओ सुनाओ ये जिंदगी के मेले देखा जैनब ये जैनब को सुना रहे हैं
ओ गीजर अबू जी खराब हो गया ना गीजर आ जाओ ऐ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਵੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਐ अरे माँ भी नाना अबू के शोल्डर तक लग रही हो मुझे है देखो आपका सर नाना अबू के शोल्डर तक जा रहा है ताड़े मोंडिया तो उच्ची जे सेरे दा हाँ नाना अबू की 6 फुट है हाइट माशाल्लाह हाँ आप मेरे से तो लंबी हो ना मैं तो केस दी जाना है कैसी है फिर नाना अबू लेके जा रहे कमरे में देख बाहर बहना जे चलो।